बसम नाजर मोहतरम अहमद नसीर आपकी खिदमत में चौंका देने वाली खबर लेकर हाजिर है जनाब इमरान खान साहब और उनकी जोज़ा बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से ये खबर जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल है चूँकि निकाब पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद जो हैं जो कि पी टी आई जमात की कोर कमेटी के रुकन भी हैं मुफ्ती सईद उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का निकाह पढ़ाया था मगर अब वो कह रहे हैं उनका फतवा आ चुका है कि बुशरा बीबी दायरा इस्लाम से खारिज हो चुकी हैं ये निकाह फासिद है फासिक है अच्छा उसकी वजूहत क्या है उसकी मैं इंतहाई अहम वजूहत आपको बताने वाला हूँ उसके लिए ज़रूरी है और, और बहुत जरूरी वीडियो भी दिखाने वाला हूँ उसके लिए जरूरी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन के बटन को प्रेस करना हर ना भूलेगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके अब आपको मैं अहम नुकात की तरफ तोज्ह आपकी मंजूल कराने वाला हूँ कि आखिर फतवा क्यों लगा दिया गया बुशरा बीबी साहिबा पर कि वो दायरे इस्लाम से खरूज कर चुकी हैं यानी दायरे इस्लाम से खारिज हो चुकी हैं अब जरूरत है कि एक मरतबा से फिर वो तजीद ईमान करें और अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलिमात अदा करें ताकि वो दायरे इस्लाम में फिर से वापस आ सकें उनकी वापसी मुमकिन हो सके अब मैं आपको सबसे बड़ी वजह बतलाने वाला हूँ कि मुफ्ती सईद जो हैं जो पीटीआई जमात की कोर कमेटी के रुकन भी हैं उनकी जानिब से यह दावा किया गया और दावे के बाद फतवा भी लगा दिया गया कि दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं बीबी, चूंकि उन्होंने में निकाह किया इद्दत से मुराद नाजन में मोहतरम ये होती है आपको सबसे पहले तो मैं इद्दत का मतलब समझा दूँ चूँकि हमारे बहुत सारे मुल्क के ऐसे सहाफ़ी हैं जो इद्दत पर बात तो कर रहे हैं मगर तो उनको इद्दत की मुद्दत नहीं मालूम इद्दत की मियाद नहीं मालूम उनको मैं समझा दूँ उनको बतला दूँ कि मुतलिका औरत की इद्दत क्या होती है बेवा औरत की इद्दत क्या होती है और जब औरत को है जा रहे हो उस वक्त इद्दत क्या होती है मैं आपको सब बताऊँगा चूँकि आप जब बात करेंगे इन वाले से तो इल्म वाला इल्म से दलील देकर गुफ्तु करेगा तो अब मैं नाज़िन मोहतरम आपको बता दूं जब कोई बेवा हो बेवा अगर इद्दत गुजारे उसकी इद्दत की मुद्दत कि चार माह दस दिन ये तो है नाजर मुहतर बेवा के लिए यानी जिस औरत का शोहर इस दारे फाने से कूच कर जाए उस पर इद्दत वाजिब है और इद्दत की मुद्दत होगी चार माह दस दिन मगर जो मुतलिका है जिस औरत को तलाक उसका खावंद दे चुका है वजह कोई भी हो हम वजह में नहीं जाएंगे लेकिन तलाक की बात हो रही है जो औरत मुतलिका है और उसका खावंद उसको तलाक दे चुका है उसकी इद्दत की मुद्दत होगी तीन हैज यानी तीन महवारियां यानी तीन माह तीन महीने तीन महवारी ने तीन, तीन है अच्छा इसमें अब एक और बात जरूरी है कि जो औरत पेट से है यानी जो औरत हामला है उसकी इद्दत की मुद्दत होगी वज़ई हमल तक बात को समझ लें मैं इंतहाई आपको इल्मी गुफ्तु आज करने वाला हूँ आपके साथ अच्छा जो औरत हामिला है उसकी इद्दत की मुद्दत होगी वज़ा हमल तक अगर उसका शोहर उसको हामिला करके तनाश दे चुका या वो औरत हामिला होकर उसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका जो भी वजुहत हों लेकिन उसकी इद्दत की मुद्दत होगी वज़ हमल तक अब देखें अगर उसका शोहर वज़ हमल से एक दिन पहले इंतकाल कर गया जब भी वजह हमल तक उसकी इज्जत की मदद होगी और अगर उसका शोहर छह महीने पहले इंतकाल कर गया फिर भी तीन महीने या चार दस दिन नहीं बल्कि वजह हमल तक यानी बच्चा जनने तक वो इज्जत उस पर वाजिब होगी और वो इज्जत में रहेगी चूँकि रहम का पाक होना ज़रूरी है और इद्दत का मतलब है शोर के हसब नसब की हिफाजत करना ये मैं आपको इंतहाई है असल में हमारे सहावियों को मालूम नहीं है हमारे सहवी बस इधर उधर से पढ़कर आ जाते हैं उनको सही चैप्टर सुरा तलाक़ा पढ़े शुरा नूर पड़े आपको मालूम पड़े कि भाई इद्दत के असल में मालिक क्या है इद्दत का मफहम क्या है अब नासिल में आपको बतला दूँ कि जो हमारे मुफ्ती सईद साहब हैं उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी ने अपना निकाह इद्दत में करवाया क्योंकि उस वक्त वो इद्दत में थी और इद्दत में निकाह फासिद और फासिक हो जाता है और हराम हो जाता है और इंसान फिर वो निकाह नहीं कर रहा होता बल्कि माज लिना कर रहा होता है और ऐलानिया जिना कर रहा होता है और, और मालूम नहीं होता लेकिन असल में अब जो हकायक मैं आपको बताने वाला हूँ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें इमरान खान का क्या कसूर है भाई इमरान खान को तो जैसे बुशरा बीबी कहेंगी बात तो ठीक है बात तो ठीक है अगर कोई औरत है अगर वो किसी से निकाह करना चाहती है और वो मुतलिका है या वो बेवा है और वो अपने होने वाले शोर से कहेगी कि भाई मैं इद्दत मुकम्मल कर चुकी हूँ तो शोर का काम है मान लेना शोर तो उसी को कहते ना जो मान ले होने वाला शोर वो मान जाएगा लेकिन तलाकनामा तो होगा भाई जैसे निका नामा होता है तलाकनामा भी तो होता है ना तलाकनामे पर बाकायदा तलाक़ की तारीख दर्ज होती है और त... की तारीख से मालूम पड़ जाता है कि भाई इद्दत 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 में 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 कितने 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 दिन 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 बाकी 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 अब मुकम्मल होने में कितने दिन है? इद्दत पूरी होने पूरी इमरान खान साहब तो गलती हुई क्योंकि उन्होंने नामा नहीं देखा या देखा होगा लेकिन छुपाया जा रहे। अब कराना चाहता एक होता है मनकुहा इसको शब उसी गुजारने के बाद तलाक हो जाए इस पर इद्दत वाजिब है तलाक इद्दत तीन महीने तीन माह हमारे तीन, तीन है लेकिन अगर उसका शोहर यानी जो जौज है उस जौज का मियां जो है उस जौजा का मियां जो है आप कोई इस वक्त पता क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जब आप जाते हैं अपने कागजात आप नामजदगी के लिए जाते हैं वहीं वहां भी यही डिपेंडेंस होता है और स्पोस होता है वहां आपको ये सब कुछ दर्ज करना होता है ये मैं आपको बतला रहा हूँ सबका कायक अब मैं आपको बतला दूँ कि जो जोज जो होती जो है उस पर इद्दत वाजिब होती है चूँकि वो शब रूसी गुजार चुकी होती है अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे ये नहीं कह रहे कि भाई हर जौज पर चूंकि अगर किसी जौज का शोहर उसको तलाक दे दे या उसका इंतकाल हो जाए उस सूरत में इद्दत वाजिब होती है इंतकाल हो जाए तो वो बेवा कहलाएगी और बेवा की जो मुद्दत है इद्दत की वो है चार माह दस दिन और अगर वो सोच तो है और अगर उसको तलाक हो जाए और तलाक की सूरत में तीन माहवारे यानी तीन महीने उसकी इद्दत की मुद्दत है अब इखे जोज इखे मनकूहा मनकूहा वो होती है जो सिर्फ निकाह में है यानी अगर औरत मनकूहा है किसी की और उसी सूरत में उसको तलाक दे दी जाए तो इद्दत वाजिब नहीं होगी आप अगर कुरान पढ़े उसका तलाक पढ़े आपको पता चलेगा अगर कोई औरत किसी शख्स की अब किसी मर्द की मनकुहा है और वो मर्द उसको तलाक दे दे उस सूरत में उस पर इद्दत वाजिब नहीं होगी चूंकि उसने शब रूसी नहीं गुजारी मनकुहा कभी भी शब उ रूसी नहीं गुजारती जब भी तो मनकुहा कहलाती है यानी सिर्फ निकाह में है और जौज जो होती है वो शब रूसी गुजार चुकी होती है जब उस पर इद्दत वाजिब होती है जौज की इद्दत की मुद्दत जो है वो चार महीने दस दिन है उस सूरत में जब वो बेवा हो यानी उसका शोहर इंतकाल कर जाए लेकिन अगर उसको तलाक हो जाए तो उसकी इद्दत की मुद्दत तीन महीने हुआ करती है नाजन मोहतरम ये वो बातें हैं जो हमारे आका ले साथ والسلام की शरीयत मुताहिरा से हमको मालूम पड़ती है क्योंकि फिर उनके भाई उनके वसी हजरत मौला अली करम अल्लाह व करीम ने ये बातें हम, तो बाते हम तक पहुंचा ही है। चुके हैं ना मदिनतुल् इल्म व अली बाबहा मैं शहर इल्म हूँ अली उसका दरवाजा ये रियासत करी मेरे सय्यदी मेरे मुशदी मेरे आका लचपाल ये बातें तमाम हम तक पहुंचाई चुके कुरान उतरा उन पर और ये कुरान में तमाम बातें तमाम चैप्टर्स दर्ज हैं जो मैं आपको इस वक्त बतला रहा हूं और अब जो है वो انتہائی अहम खबर से आपको आगाह कर रहा हूँ कि बुशरा बीबी इस्लाम से खारिज हो चुकी हैं ये निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद का ये कहना है और अगर वो दोबारा इस्लाम में आना चाहती हैं तो वो तजदीद ईमान करें यानी दोबारा से कलमा पढ़े फिर से आकाम के दीन का कलमा पढ़ें और वो इस्लाम में दाखिल हो जाएँ और नाजरिन मोहतरम ये वो हकाइक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और मुफ्ती सईद साहब ने ये गुफ्तु एक्सप्रेस टी वी के प्रोग्राम कल तक में की जिसका मतन मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर दिन ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महजू हो सको मैं यकीन से कहता हूं कि ऐसा निसाब ऐसा चैप्टर तलाक के हवाले से ऐसी गुफ्तु और इद्दत की मुद्दत की मियाद के हवाले से ऐसी गुफ्तु आपने पहले किसी हाफी से नहीं सुनी होगी जो हम नसीर आपको बता बताओ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर जगह मुल्लगता हमारे लेटेस्ट अपडेट से महजूज़ हो सकें इजाजत दीजिए नासर